ये वीडियो देखा आपने, ये गुजरात का वीडियो है। गुजरात के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। गुजरात तो छोड़ दीजिए, आज ट्विटर पर लाखों कह रहा हूं, मतलब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया बेरोजगारी दिवस पर। प्रधानमंत्री जन्म के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस में बदल दिया, लेकिन भारत की मीडिया आपको चीता दिखा रही थी। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गठबंधन के बाद सरकार सख्ते में है और अब फिर से सीबीआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है। सीबीआई कोर्ट चली गई है, आईआरसीटीसी के नाम से घोटाला कहना है सीबीआई का, सरकार का कोर्ट में अर्जी दी गई है। सोचिए स्थिति यह हो गई है कि तमाम बीजेपी के जो विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि जानबूझकर तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बात सबसे पहले पेरियार की जयंती की। ये मेरा ब्लैक देख रहे हैं, ब्लैक शर्ट, इसका एक मतलब है। पेरियार साहब ने जब सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन शुरू किया था तमिलनाडु में, तो उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने थे और इस तरह से मुठियां दिखाई थी। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में पेरियार साहब की जयंती मनाई जा रही है। सोचिए, पेरियार ने कहा था कि जिसने धर्म बनाया वो शातिर है, जो जिसने धर्म बनाया वो बहुत शातिर है, जो धर्म को मानता है वो बहुत कायर है, और जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं वो बहुत ही डरपोक लोग हैं। तो सोचिए, ये पेरियार लिखे गए और तमिलनाडु सरकार किताब छापती है, भारत सरकार किताब छापती है। तो आज पेरियार की जयंती को सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन आज बात सबसे बड़ी खबरों की, वो खबरें जो सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल है, क्या तेजस्वी यादव को जेल भेज दिया जाएगा? मैं बार बार कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बिजनेसमैन हो, सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो, उनके खिलाफ एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जाती है और पहले डराया जाता है, धमकाया जाता है, फिर लीगल तरीके से फंसाया जाता है, कई बार तो विषकन्याओं से बदनाम करवाया जाता है। तो ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे यहां इनकम टैक्स ईडी का दफ्तर खोल दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीबीआई की दलील है कि आईआरसीटीसी मामले में वो जमानत पर हैं, और सोचिए, और चूंकि उन्होंने सीबीआई अधिकारियों को कहा था कि आप सचेत होकर काम कीजिए, तो उसको धमकी समझ रहे हैं। और जमानत याचिका पर गोयल नाम की एक जज है, उन्होंने उनको नोटिस जारी किया। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आरजेडी और बीजेपी के जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल तेजस्वी यादव को फंसाया जा रहा है। अब ये वीडियो देखिए। गुजरात में तमाम डिपार्टमेंट के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं भाजपा तेरी आखिरी दिवाली होगी। बीजेपी के खिलाफ भी सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन है, लेकिन बीजेपी 6 साल मामले में जिग्नेश मेवानी के प्रोटेस्ट को लेकर उनको हाईकोर्ट में सजा हुई है। टाइमिंग देखिए संजीव भट्ट, तो सरकार की यही स्थिति हो गई कि आज के डेट में किसी बीजेपी विरोधी को सजा हो जाए, बीजेपी विरोधी पर रेड पड़ जाए, बीजेपी विरोधी की हत्या हो जाए, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी विश्वसनीयता खत्म कर ली है। तो जिग्नेश मेवानी को 6 साल पुराने मामले में 6 महीने की सजा, इस मामले पर मेवानी ने कहा कि हम आंदोलनकारियों को जेल और रेपिस्टों को बेल मिल रहा है, और मिल रहा है प्यार बेशुमार। ये कांग्रेस का तस्वीर आज जारी किया, राहुल गांधी की रोड शो जारी है। और आज सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, शायद दुनिया में ऐसा पहले नहीं होता होगा, उनके जन्मदिन को लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। आज कम से कम 10 लाख लोगों ने ट्वीट किया, ट्विटर पर ट्रेंड किया, टीवी अखबार में खबर नहीं है। भर्ती का नाम SSC GD 2018, फॉर्म आवेदन संख्या 58 लाख, भर्ती फॉर्म फीस 200, मेडिकल फीट 1,09,000, नियुक्ति पत्र मिला केवल 54,000, बाकी 55,000 युवा 17 माह से रोड पर, 85% अभ्यर्थी आयु सीमा पार, विभाग में रिक्त कुल पद खाली 1,27,000। तो ये तस्वीरें कोई आपको और नहीं दिखाएगा। जीवन और मृत्यु प्रकृति का चक्र है, लेकिन अफ्रीका के शिकारी लाकर भारत में शिकार करवाना तो भगवान की इच्छा के विरोध है। सोचिए किस तरह से अफ्रीका के चीता को लाया गया है, ये भी प्रोजेक्ट 2010 का था, कांग्रेस के समय का। अब वहां 400 हिरण छोड़े जाएंगे, तो सोचिए वहां 400 हिरण छोड़े जाएंगे। दिलीप मंडल ने वही मानवीय पक्ष रखा है कि चीता लाने की क्या जरूरत है, और 400 हिरणों की हत्या करवानी क्यों है। जो प्रकृति चक्र है वो चलता रहता है, लेकिन अफ्रीका के चीता को यहां लेकर। और आज उसका मीडिया कवरेज देखिए,
पूरे दिन भर को चीतामय बना दिया गया है। रवीश कुमार ने कहा है कि आपको बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, लाचारी, बेबसी पर रिपोर्टर नहीं मिलेंगे, लेकिन दिन भर चीता पर बहस होगी। अच्छा, इसमें क्या उपलब्धि है सरकार की बताइए? रोजगार पैदा हो जाएगा, सब कुछ सिंबॉलिक किया जा रहा है। और जयराम रमेश ने इसलिए ट्वीट किया है कि मैं ये चीता का जो प्रोजेक्ट था वो पहले से एक कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, और इस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस प्रोजेक्ट पर लगा दिया गया, और देखिए कि वो किस तरह से, तो सारे मंत्री आज चीता 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 कर रहे हैं। इसलिए किसी ने ट्वीट किया है 70 साल में पहली बार सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे तेज फेंकने वाला एक साथ दिख रहे हैं सुजीत पटेल। शनिवार के दिन गोदी मीडिया चीता की हर खूबी बताएगा। न्यूज चैनल पर चीता का इतना कवरेज होगा कि रविवार सुबह तक पूरा देश चीता विशेषज्ञ हो चुका होगा। आपकी समस्याओं को कवर करने के लिए रिपोर्टर नहीं होंगे, मगर चीता के लिए दर्जनों चैनल होंगे। और ये अमित शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक समय था जब वो रोजगार को मुद्दा बनाते थे, पिछले 8 साल से वो सरकार में है, रोजगार फुस है। ये वीडियो सुनिए एक बार, 2 सेकंड 5 सेकंड का। किसान आत्महत्या करे, खेत में पानी नहीं पहुंचा, घर में बिजली नहीं पहुंची, युवा के पास रोजगार नहीं पहुंचा, और प्रधानमंत्री मोदी पर लोग तंज कर रहे हैं। सोचिए, प्रधानमंत्री का फोटोग्राफी वाला चेहरा शामिल हो रहा है। खैर, ये जो तस्वीर है ये लोग तंज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार कहा था कि मेरे पास बहुत पहले डिजिटल कैमरा था, तो वो आज कैमरामैन के वेष में थे। और यूपी की राजधानी लखनऊ में एक लड़की का बोरे में लाश मिला है, जंगल राज नहीं कहेगा। और ये देखिए, चीता आ गया, टीवी चैनल कैसे खुश है, तो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये वीडियो देखिए, यूपी में भ्रष्टाचार का आलम, गांजे के आरोपियों, गांजा बेचने वाले को पकड़ा गया, सरयाम कैमरे पर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, 20,000 रुपए लेकर पुलिस ने छोड़ दिया। और ये लल्लन सिंह का लास्ट में बयान सुनिए, उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट हैं और तमाम पार्टियों को वो बीजेपी के मुद्दे पर लाते हैं। उन्होंने कहा दिया साफ साफ कि बीजेपी के वो एजेंट है। इस पर स्पेशल, अलवर राजस्थान में एससी युवक को जूतों से पीटने वाला मुखिया मोहम्मद हाजिम और उसके गुर्गे अरेस्ट कर लिए गए हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अगर जातिवाद करेंगे तो बचेंगे नहीं, अगर वो कम्युनल हिंसा करेंगे तो बचेंगे नहीं। और रोजगार सृजन के लिए शिक्षा स्वास्थ्य पर जोर देना होगा, खेती पर दबाव घटाने के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण आवश्यक है, ये और उद्योग लगे इसके लिए शांति का माहौल जरूरी है, वरना कौन उद्योगपति पैसे लगाएगा। नरेंद्र मोदी दिशा में कुछ कर नहीं पाए, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और ये तस्वीरें देखिए हर्षवर्धन ने शेयर किया, तो पूरे मंत्रिमंडल को लगा दिया गया है। और योगी मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संघर्ष रुकेगा नहीं, बढ़ता जाएगा। तो लगातार विपक्ष के जो दल हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया आपको दिखा नहीं रही है। तो समाजवादी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, और आखिरकार चीते आ गए, पर शाकाहारियों की तरह घास पत्ता तो खाएंगे नहीं, तो इंतजाम ये है कि 400 चीतल हिरण वहाँ छोड़े जाएंगे। युवाओं का रोजगार छीनकर चीते के नाम बेरोजगार की चीता बनाई जा रही है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और रामदेव ने लगता है पलटी मार दी, अब उनको राहुल में खूबियां दिखने लगी है अडानी। और IRCTC के स्कैम, तेजस्वी यादव की जमानत रद्द कराने दिल्ली के स्पेशल कोर्ट पहुंची, न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने CBI की याचिका पर नोटिस जारी किया है। तो क्या आप लोग को क्या लगता है, तेजस्वी यादव को सरकार बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी? मैं बार बार कहता हूं, इस देश में जानबूझकर SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कांसी राम, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, DMK, करुणानिधि को बदनाम किया गया, बहुजन उद्योगपतियों को, नौकरी वाले को, सब जगह आपको डराया धमकाया जाता है ताकि आप अपने अधिकार के लिए न बोले। सोचिए, लगभग 3 लाख ट्वीट वाला एक नंबर पर, लगभग 7 लाख ट्वीट वाला, 20,000 ट्वीट वाला दो नंबर पर। सुबह में ही 7,20,000 ट्वीट था, आज लगभग लाखों लोगों ने ट्वीट किया है बेरोजगारी को लेकर, लेकिन कोई खबर नहीं दिखाएगा। चित्रकूट में नाबालिग दलित बच्ची का अपहरण के गैंग रेप की वारदात हुई है। और क्रूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें देखिए। और 2013 में UPA सरकार गिर के शेरों को MP क्रूनो में बसाना चाहते थे, मकसद दो पर, एक पर्यटन बढ़ावा, दूसरा महामारी में शेरों का सफाया ना हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने शेर देने से मना कर दिया था कि गुजरात का शेर क्यों जाएगा वहां MP में, और अब चीता लाके वहां रखा जा रहा, वो भी प्रोजेक्ट कांग्रेस का था। मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, श्रीनिवास ने ट्वीट किया है। और IRCTC घोटाले में CBI ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए की मांग की है, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अगर तेजस्वी यादव पर को जेल भेजा जाता है तो RJD के लिए इसे सोने पर सुहागा कुछ नहीं हुआ। स्थिति ये हो गई है कि
कि आज के डेट में किसी आदमी पर छापा पड़े, किसी को जेल भेजा जाए, किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे, लोग उसको सिंपथाइज करें, उसको लगता है कि प्रधानमंत्री बीजेपी आरएसएस के शख्स खिलाफ होगा, शायद इसीलिए इन पर कार्रवाई हो रही है। और महिलाओं पर नेताओं के जब 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 तक बिगड़े बोले, तमाम सोशल मीडिया पर खबरें जो आज वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर में आज जब बेरोजगार, भारत में लोग बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, तो सरकार जो है वो चीता दिवस मना रही है। तो जिस अडानी पर 2.5 लाख का करोड़ का कर्ज है, तो सोचिए आप लोग बताइए कि आज के डेट में टीवी के लिए क्या खबर थी, बेरोजगारी या चीता? और क्या तेजस्वी यादव को जेल भेज देंगे? मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इतनी बड़ी गलती करेगी, क्योंकि लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग गोलबंद हो रहे हैं, और आज पेरियार साहब की जयंती है, पूरी दुनिया में लोग उनको याद कर रहे हैं। पेरियार साहब ने ब्लैक कलर को सिंबल बनाया था और उन्होंने आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था रिस्पेक्ट, मतलब सम्मान की लड़ाई, रोटी और सम्मान। लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, मैंने देखा है, वहाँ दिलसन भी आए थे, उस तमाम वीडियो भी आप प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल का भाषण भी आप सुन सकते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, चीता के बहाने बेरोजगारी के मुद्दे को हटाया जा रहा है और टीवी अखबार क्या इस देश में, इस देश के लोगों का दुश्मन हो गया है और उसके लिए सरकार का प्रवक्ता बन गया? क्या आप लोग को अभी भी लगता है कि टीवी अखबार पर भरोसा कर सकते हैं? क्या तेजस्वी यादव को जेल भेज सकती है सरकार? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।